आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर के बारे में। जहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो न्यू लिस्टेड स्टॉक है, देखा जाए तो यहाँ पे 30 नवंबर को ही लिस्टेड हुआ है 2023 में, अभी अभी लिस्टेड कह सकते हो हुआ है, और आईटी रिलेटेड स्टॉक है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे आज के दिन की, अगर हम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, यानी 11 दिसंबर को हमें क्या देखने को मिला है तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और कोई भी स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है, और वीडियो में कोई बाय सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम बात करेंगे डिलीवरी पोजीशन का, 11 दिसंबर 2023 आप यहाँ पर देख सकते हो। आज के दिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्वांटिटी ट्रेड कितना हुआ, 80,17,469 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें अगर हम बात करेंगे ट्रेडेड क्वांटिटी आप देख ही सकते हो। डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो 19,48,982 डिलीवरेबल क्वांटिटी इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें से इतना था जो कि 24.31% का, मतलब 24% से भी ऊपर का डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो 20% से ऊपर है डिलीवरी में क्वांटिटी यहाँ पे उठाया जा रहा है, तो अच्छी बात है। बाकी अगर हम और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, टोटल फंडामेंटल और भी चीज़ें कुछ हम देखेंगे, उसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल अगर हम बात करेंगे कि हमें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला बात कि सेक्टर किस सेक्टर में काम कर रहा है, तो आईटी सेक्टर का काम कर रहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आप देखेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे कि स्टॉक पी यहाँ पे थोड़ा सा हमें हाई देखने को मिल रहा है, वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ट्रेडेड वॉल्यूम इन शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने आपको दिखाई दिया है, और बात करेंगे यहाँ पे और 52 वीक हाई और लो का, तो अभी तो लिस्टेड हुआ है मार्केट में और फिर गिरावट देखने को मिला था। फिलहाल आज के दिन हमें यहाँ पे तेजी जो है देखने को मिला है। और अगर हम बात करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद भी यहाँ पे 15,875 का क्वांटिटी का यहाँ पे ऑर्डर जो है लगा हुआ है बाई साइड में, आप यहाँ पे देख सकते हो 15,875 क्वांटिटी बाई साइड में। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम में तो आज के दिन क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला वो हम यहाँ पे देख लेते हैं और भी कुछ डिटेल में। जैसे कि बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.5% से भी ऊपर का तेजी आज के दिन यहाँ पे शेयर में हमें देखने को मिला, जो कि ये तेजी और भी ज़्यादा था। अब देखेंगे यहाँ पे मतलब 3.5% से भी और भी ऊपर का तेजी था, देखेंगे आप यहाँ पे लगातार जो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 बजे तक, मतलब कह सकते हो 5% का तेजी था लगभग लगभग 5% तक। बट फिर बीच में 1 बजे के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा गिरावट जो है देखने को मिला आप देखेंगे 2% का, 1 बजे के बाद फिर हमें यहाँ पे 2% का गिरावट देखने को मिला। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त तेजी की ओर बढ़ रहा था बट यहाँ पे थोड़ा हमें गिरावट जो है देखने को मिला, तो कह सकते हो लगभग लगभग 3.76% जो भी है कह सकते 3.5% से ऊपर का तेजी हमें आज इस स्टॉक में जो है देखने को मिला। बात करेंगे 1 मंथ का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो जब से स्टॉक मार्केट में यहाँ पर लिस्टेड हुआ है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा तेजी जो है देखने को मिला था जो कि 3% का लिस्टेड होने के बाद, उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट रहा और एकदम से कह सकते हो यहाँ पे लगभग लगभग 13% का गिरावट स्टॉक में रहा। और उसके बाद अभी आप देख सकते हो कुछ रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है 3% का, 3% से ऊपर का जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये एक अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो मिड कैप स्टॉक है, ये एक अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिड कैप स्टॉक है, लार्ज कैप नहीं है। और टाटा के जो दोस्तों अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप के बारे में आपको पता ही होगा, टाटा के जितने भी स्टॉक है उन सब के बारे में आपको पता ही होगा, टाटा कंसल्टेंसी और भी काफ़ी सारे जो कि मार्केट में अवेलेबल है। बाकी अगर हम बात करेंगे कोई लार्ज कैप स्टॉक भी हैं टाटा के दोस्तों, अगर हम बात करेंगे रेड फ्लैग इस स्टॉक में यहाँ पे नो रेड फ्लैग फाउंड, रेड फ्लैग नहीं है स्टॉक, ना ही एएसएम लिस्ट में और ना ही जीएसएम लिस्ट में, अच्छी बात है। वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है, सिम्स टू बी ओवर वैल्यू बी एज द मार्केट एवरेज, तो ये चीज़ तो मैं अभी कह सकता हूँ कि वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है, अंडर वैल्यूड स्टॉक यहाँ पे नहीं है, बिकॉज स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे थोड़ा हाई इसका देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में, और परफॉर्मेंस लो है। बाकी अगर हम बात करें ग्रोथ का जो कि यहाँ पे ये भी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, शोइंग गुड साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टिकर टाइप के हिसाब से अगर हम बात करेंगे। एंट्री पॉइंट आप देखेंगे द स्टॉक इज ओवर प्राइज बट इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट जोन में नहीं है बट स्टॉक जो है ओवर प्राइज्ड है। और बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड का, 2023 में सबसे हाईएस्ट फाइनेंशियल ट्रेंड रेवेन्यू हमें देखने को मिला है और प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और बात करेंगे डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन इसी स्टॉक से रिलेटेड, टाटा टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे देखेंगे 1237 का प्राइस, मतलब जो भी ये चल रहा है आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, गूगल पे आप देखेंगे या फिर स्क्रीन पे टिकर टाइप पे इन अलग अलग साइट्स पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो सकता है, बट जो भी आप देख सकते हो 1230 से ऊपर है।
मार्केट कैप 50,198 करोड़ का, मतलब 50,000 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है। तो कह सकते हो कि अभी के टाइम में स्टॉक जो है मिड कैप है, और टाटा ग्रुप का कंपनी है तो कह सकते हो कि जो ग्रुप ऑलरेडी इतना हाईएस्ट पे अभी के टाइम में अगर दिख रहा है तो दिखने को मिल रहा है, तो कह सकते हो कि अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो मिड कैप स्टॉक है तो आने वाले टाइम में ग्रो भी हो सकता है काफ़ी, हो सकता है लार्ज कैप हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा और हमें गिरावट देखने को मिले। बट अगर हम बात करेंगे फंडामेंटली बेसिस पे तो स्टॉक पी इसका 80.4 है, 80.4 का स्टॉक पी है, तो स्टॉक पी यहाँ पे हाई है। ओवर वैल्यूड भी अभी के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल, अगर हम बात करें तो अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। स्टॉक पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करेंगे 80.8 का स्टॉक पी है। तो ये चीज़ें हमें कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कॉन्स देखने को मिल रहा है, कुछ प्रॉस देखने को मिल रहा है। जैसे प्रॉस क्या है, जैसे प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 50% से ऊपर है, तो कह सकते हो यहाँ पे 40% से ऊपर प्रमोटर का होल्डिंग ठीक माना जाता है, तो चलिए ठीक है। टोटल एसेट्स यहाँ पे 5,142 करोड़ का है, ओ पी एम 18.6%। आर ओ सी और आर ओ ई दोनों ही ठीक है, 28.1% का आर ओ सी इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है, 23.7% का यहाँ पे आर ओ ई है। बट यहाँ पे स्टॉक पी काफ़ी हाई है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, 1151 रुपीज़ का यहाँ पे लो प्राइस है 52 वीक का। रिजर्व 2772 करोड़ का यहाँ पे दिखने को मिल रहा है अभी के टाइम में। ईपीएस यहाँ पे 15.4 रुपीज़ का है। एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे, जो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है तो ये एक अच्छी बात निकल के आता है, कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री है। एंड द प्रोज एंड कौन सा मशीन जनरेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, और एक कौनस भी है जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स की बात करेंगे, 2 क्वार्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है क्वार्टर बेसिस पे नंबर। नेट प्रॉफिट 259 से 352 हुआ है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। और ईयर बेसिस पे अगर हम बात करेंगे 2022 के मुकाबले 2023 में आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज होते हुए हमें दिखा है, आप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 437 से 624 हुआ है। बाकी अगर हम बात करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, मैं आपको टारगेट अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल भी मैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल भी देखेंगे कि क्या बन रहा है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, पहले देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है तेजी या फिर गिरावट जो भी है। और बैलेंस शीट की अगर हम बात करेंगे तो रिजर्व देखेंगे, यहाँ पे रिजर्व कह सकते हो पिछले से हमें डाउन देखने को मिला है, उसके पहले से इंक्रीज हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल एसेट्स भी यहाँ पे डाउन है पिछले से, उसके पहले से इंक्रीज है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कैश फ्लो का, तो अभी के टाइम में कैश फ्लो जो है नेगेटिव में है, माइनस में कैश फ्लो है यहाँ पे, ये पॉइंट आप नोट करो, यहाँ पे -385 करोड़ का कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो। और अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड काम क्या कर रहा है कंपनी, एक एक चीज़ें हम लोग डिटेल में देखते हैं। और बिकॉज कंपनी जिस चीज़ में इंगेज होता है उसके ऊपर, मतलब कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, शेयर जो है यहाँ पे काफ़ी ऊपर प्राइस और यहाँ पे काफ़ी तेजी रहेगा शेयर में। कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉस में रहेगा, तो कह सकते हो यहाँ पे खुद शेयर मार्केट में, मतलब जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं सभी लॉस में रहेंगे। एंड बात करेंगे कंपनी काम क्या कर रहा है, तो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज ए ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। टाटा टेक्नोलॉजी प्राइमरली बिजनेस इन लाइन सर्विसेज विच इंक्लूड प्रोवाइडिंग आउटसोर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज टू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स, हेल्पिंग देम डिजाइन बेटर प्रोडक्ट्स फॉर देयर कस्टमर्स। टेक्नोलॉजी सोल्यूशन द कंपनी कंप्लीमेंट्स इट्स सर्विस ऑफरिंग विथ प्रोडक्ट्स एंड एजुकेशन बिजनेसेस, देखिए टेक्नोलॉजी सोल्यूशन तो एक कह सकते हो आईटी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। प्रोवाइड क्या करता है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट, आप देख सकते हो। और कंपनी रीसेल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, प्राइमरली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, और भी आप यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है देख सकते हो। तो कह सकते हो पूरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टॉक है, और मतलब यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी इज ए सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का सब्सिडरी है, टाटा टेक्नोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। द कंपनी एज ऑफ सितंबर 2023 हैड 19 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और बाकी आप देखेंगे जो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट लीडरशिप भी आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो, रेवेन्यू कंसंट्रेशन, और यहाँ पे काफ़ी सारे टाई अप एंड अलायंसेज भी आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का टाई अप क्या है, और जो दे आर स्टेबलाइज स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विथ अलायंसेज सच एज विथ है, आप देखेंगे जो भी है देखने को मिल रहा है। और जो भी इंफॉर्मेशन है आप देखेंगे यहाँ पे सेमेंस इंडस्ट्रीज सॉफ्टवेयर आप देखेंगे एंड फैंटासी
एंड बाई अवेलिंग माइक्रोसॉफ्ट एजियोर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड अमॉन्ग्स देयर एफोर्ट एंड एनेबल देम। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे, क्लाइंट कौन कौन से शामिल हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, इट्स क्लाइंट पोर्टफोलियो इंक्लूड इट्स एंकर क्लाइंट्स टाटा मोटर्स एंड JLR लीडिंग, इन्हीं के ग्रुप का कंपनी टाटा मोटर्स है, और JLR लीडिंग ट्रेडिशनल OEMs लाइक एयरबस, मैकलेरन आप देखेंगे मैकलेरन भी शामिल है यहाँ पे, और उसके बाद होंडा, फोर्ड एंड देखेंगे कॉपर स्टैंडर्ड एंड देयर वन सप्लायर एज वेल एज न्यू एनर्जी व्हीकल कंप्लेंट्स सच एज विन फास्ट एमोंग अदर सच एज केबिन इंटीरियर्स और यहाँ पे इंजीनियरिंग सोल्यूशंस ST इंजीनियरिंग एरोस्पेस। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे हमें काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देखेंगे वन सप्लायर एज वेल एज न्यू एनर्जी व्हीकल, एनर्जी व्हीकल का भी एक सप्लायर्स यहाँ पे अवेलेबल इनके क्लाइंट में अगर हम बात करेंगे। तो क्लाइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लाइंट्स में काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स यहाँ पे शामिल है, तो ऑलरेडी बड़ा कंपनी का बड़े ग्रुप का कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी आप देखेंगे यहाँ पे। तो कह सकते हो कि अभी के टाइम में जो यहाँ पे लिस्टेड हुआ है मार्केट में, लिस्टेड होने के बाद कह सकते हो अभी तो काफ़ी मतलब यहाँ पे तय करना बाकी है, काफ़ी सफर तय करना बाकी है, बट अभी अभी मिड कैप स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में और भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे। बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी है, कुछ यहाँ पे हमें अच्छा होना अभी यहाँ पे, जैसे कि स्टॉक भी अंडर प्राइस जब तक नहीं होता है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, स्टॉक भी यहाँ पे 80.4 का है, तो अभी के टाइम में मैं तो कहूँगा फिलहाल मेरा ओपिनियन है, कुछ चीज़ें मतलब कि हर चीज़ें अच्छा हर स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, बट ये जो स्टॉक पी प्राइस जो अर्निंग रेशियो और यहाँ पे ROCE और ROE बुक वैल्यू और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे, जो कि अच्छा होना चाहिए दोस्तों अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो। और फिलहाल आज के दिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको तेज़ी जो है देखने को मिला है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हमें देखने को मिलता है, उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो भी है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल है टारगेट्स के बन सकता है वो हम देखेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन में। बाकी यहाँ पे जो तेज़ी जानकारी ज़बरदस्त देखने को मिला है स्टॉक में, और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम IT सेक्टर का फ्यूचर हमें ब्राइट ही दिखता है, और टाटा का जितने भी स्टॉक है आपको पता ही है सभी के बारे में, और टाटा ग्रुप का कंपनी है तो रिस्क भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे लो फिलहाल देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे तो हाई रिस्क लिखा ही है वो अलग की बात है, बट अगर हम बात करें अपने आप से तो टाटा ग्रुप का कंपनी है तो रिस्क यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, फिलहाल जो भी करना है अपने रिस्क पे फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छा नहीं है बट जैसे कि स्टॉक पी और भी काफ़ी सारी चीज़ें, बट ब्रांड है तो कह सकते हो कि अभी के टाइम में डिस्काउंट पे भी मिल रहा है स्टॉक ऑल टाइम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे वन मंथ का जो भी मैं आपको दिखाऊं तो कह सकते हो अभी मतलब जब से ये लिस्टेड हुआ है मार्केट में आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट पे, मतलब कह सकते हो फिर भी हमें मिल रहा है, और डिस्काउंट तो और भी ज़्यादा हुआ था बट अभी थोड़ा सा तेज़ी हमें देखने को मिल गया है एक दिन में आप देखेंगे यहाँ पे 3.76% का, बट फिर भी अभी भी डिस्काउंट पे स्टॉक है, और कहीं ना कहीं डिस्काउंट पे एक बाई करना अच्छा रहता है, अगर आपको बाई करना चाहते हो तो डिस्काउंट पे ही बाई करो कोई भी स्टॉक में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट ऐसा कोई न्यूज़ है किसी भी स्टॉक का काफ़ी बड़ा न्यूज़ हो और वहाँ पे सोचने वाली बात हो तो वहाँ पे आपको सोचना चाहिए, बट अगर ऐसे ही डिस्काउंट थोड़ा सा हमें देखने को मिला है तो फिर आप सोच सकते हो, बाकी अदरवाइज इग्नोर इट। और वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो भी करना है अपने रिस्क पे कीजिएगा मेरे कहने पे या फिर किसी और के कहने पे, डायरेक्ट आंख बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिए। काफ़ी सारे लोगों ने बाई भी किया है आज के दिन अगर हम बात करेंगे, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे IPO में ही लिए होंगे, और खुल मार्केट में आने के बाद भी काफ़ी सारे लोग लिए होंगे, तो अभी तो वो लॉस में ही होंगे बिकॉज यहाँ पे जब ये लिस्टेड हुआ है उसको लिस्टेड प्राइस से अभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। काफ़ी जिन्होंने लिया होगा कह सकते हो अभी प्रॉफिट में होंगे आज के दिन शुरुआत में, जिन्होंने लिया होगा जब ये शुरू अभी मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम पे। बाकी चलिए आज के लिए कुछ इतना ही, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, वीडियो में कोई बाय सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, जो भी करना है अपना रिस्क में मेरे कहने पे या फिर किसी और के कहने पे डायरेक्ट आंख बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने आप से स्टडी कीजिए उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट।